हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरे दोस्तों। इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा आपका गूगल प्ले सर्विस, अगर ये सोकार्ड है कि गूगल प्ले सर्विस अनफॉर्चुनेटली हैव स्टॉप्ड वर्किंग, तो दोस्तों इस वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर का एप्लीकेशन काम करते करते स्टॉप्ड हो जाता है, ये सोकार्ड है कि अनफॉर्चुनेटली हैव स्टॉप्ड, दोस्तों इस वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के साथ ऐसा एक ट्रिक शेयर करने वाला हूँ इसके वजह से आपका जो ये प्रॉब्लम लाइफ में कभी भी नहीं आएगा अगर आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्राइब पास बार जो बेल आइकन है दोस्तों उसको भी दबा देना। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है कि गूगल प्ले सर्विस हैज अनफॉर्चुनेटली स्टॉप, दोस्तों इस वीडियो आप लोग देखिए शुरू से लास्ट तक। दोस्तों क्या करना होगा, आप लोगों को सिंपली कुछ ट्रिक्स अप्लाई करना होगा, दो से तीन ट्रिक्स, ठीक है। दोस्तों मैं आप लोगों को देखा तो आप लोग क्या करना होगा, आप लोगों को सिंपली सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आप लोग क्या सर्च करना होगा, यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन मैनेजमेंट है, एप्लीकेशन मैनेजर है, उसको सर्च करना होगा। दोस्तों मेरा मोबाइल में एप्लीकेशन मैनेजमेंट है, आप लोग देख सकते हो, एप्लीकेशन मैनेजमेंट में जाना होगा। एप्लीकेशन मैनेजमेंट में जाने के बाद दोस्तों आपका जो ऑल एप्लीकेशन है, डिवाइस का एप्लीकेशन, ऑल एप्लीकेशन में आप लोगों को जाना होगा। तो मैं सो ऑल एप्लीकेशन में क्लिक किया तो मेरा ऑल एप्लीकेशन यहाँ पर शो करेगा। ऑल एप्लीकेशन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना होगा गूगल प्ले स्टोर। दोस्तों मैं आप लोगों को देखा देता हूँ गूगल प्ले स्टोर कहाँ पर है। दोस्तों देखिए यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर यहाँ पर है, ठीक है। तो गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोगों को करना पड़ेगा स्टोर यूजर्स में क्लिक करना होगा। स्टोर यूजर्स में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्लियर कैच करना होगा और क्लियर डेटा करना होगा। दोस्तों ये करने के बाद आप लोग ध्यान से देखिए, दोस्तों यहाँ पर और एक ऑप्शन शो करेगा। दोस्तों यहाँ पर अनइंस्टॉल अपडेट यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने कल ही इसको कुछ यहाँ पर अपडेट था उसको अनइंस्टॉल किया था, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अनइंस्टॉल अपडेट क्या होता है, दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन का अपडेट यहाँ पर है उसको आप लोग यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो। अनइंस्टॉल करने के बाद आपका प्ले स्टोर तो काम करेगा, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों पहले जो आपका प्रॉब्लम आता था अनफॉर्चुनेटली स्टॉप्ड हैज वर्किंग गूगल प्ले सर्विस, वो नहीं दोबारा शो करेगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग अनइंस्टॉल अपडेट में क्लिक करना होगा, तो फिर यहाँ पर अनइंस्टॉल में क्लिक करना होगा। इससे आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, आपका जो पहले का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो आपको अनइंस्टॉल अपडेट में क्लिक करना होगा, अनइंस्टॉल अपडेट में क्लिक करने के बाद ये अनइंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आपका गूगल प्ले स्टोर ठीक से ही काम करेगा। उसके बाद आप लोगों को जो करना होगा, आप लोग गूगल प्ले सर्विस में जाना होगा। गूगल प्ले सर्विस में जाने के बाद यहाँ पर स्टोरेज यूजर्स में क्लिक करना होगा, तो फिर से यहाँ पर क्लियर कैच करना होगा, क्लियर डेटा करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को तीसरा जो ऑप्शन करना होगा, आप लोगों को गूगल सर्विस फ्रेमवर्क में क्लिक करना होगा। दोस्तों आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए, इसके बाद यहाँ पर स्टोरेज यूजर्स में क्लिक करना होगा, फिर क्लियर कैच, क्लियर डेटा करना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा, आपका सेट, आपका जो एंड्रॉइड मोबाइल या टैबलेट है उसको रिस्टार्ट करना होगा, आपको स्विच ऑफ करके ऑन करना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग देखिए, आपका जो पहले प्रॉब्लम आ रहा था अनफॉर्चुनेट स्टॉप हैज वर्किंग, आपका गूगल प्ले सर्विस काम ठीक से नहीं कर रहा था, स्टॉप हो जाता था, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम दोबारा से आप लोगों को नहीं आएगा, लाइफ में कभी भी नहीं आएगा। उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है टोटली जो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपका फोन मेमोरी को थोड़ा सा फ्री कर दो, फोन मेमोरी को क्लियर कर दो, तो मैं आप लोगों को 100% यहाँ पर गारंटी दे रहा हूँ आपका जो पहले प्रॉब्लम आता था गूगल प्ले स्टोर स्टॉप्ड वर्किंग, दोस्तों वो प्रॉब्लम आप लोगों को दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, अगर वीडियो से आप लोगों को कोई भी फायदा हुआ तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और चैनल में नया हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।